नमस्कार दोस्तों एम डी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए मज़ा आने वाला है आज नमस्कार नमस्कार आदाब बंदे मातरम भारत माता की जय तो सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार आदाब बंदे मातरम भारत माता की जय सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ भैया तो सभी लोग आ जाओ आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। थ्योरी की क्लास चलेगी आज आज थ्योरी की क्लास चलेगी भैया बनबीघा से पराम आया है हमारे पास छट्टन कुमार का भैया और क्या हाल चल छट्टन नमस्कार राजस्थान से लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं भैया तोशी सब मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार पूजा कुमारी प्रदीप पाल जय हिंद जय हिंद जय हिंद सोनिया मीना नमस्कार नमस्कार राजू मोहन राजू नमस्कार भैया क्या हाल चाल है राजू इतना दिलवल का है बना के भेज रहे भैया कैसे हैं मुंबई से हैं आप शुभम सूरी बहुत बहुत स्वागत है भैया बहुत बहुत नमस्ते प्रवीण कुमार नमस्कार सब लोग आ जाओ एम से सब लोग अरे भैया हाँ एम ची एम पी से आ गए किट्टू अरे किट्टू क्या हाल चाल है जल्दी जल्दी आ जाओ उन्नाव से भी आ गए हमारे पास अनिकेत बोगड़े भी आ गए हैं हमारे साथ भैया धन्यवाद धन्यवाद सब लोग आ जाओ राजस्थान से भी है परमाणु नगरी पोर पोखरन से भी अरे भाई साहब शमसाद वालेकुम सलाम दोस्त नमस्कार राहुल क्या हाल चाल है भैया क्या हाल चाल है चलो भैया सब राजू आ जाओ बेटा सत्यन सर कहाँ हैं अत्यंत सर हैं आएंगे कल से क्लास लेंगे मंडे से क्लास लेंगे परेशान ना होइए तो जल्दी जल्दी आ जाओ भैया सबको बढ़िया सा है गुड नाइट भैया कानपुर अच्छा कानपुर कानपुर से बोल रहे चलो भैया खैर आप जहाँ से भी बोल रहे हैं मेरे दिल के बहुत पास हैं जल्दी जल्दी आ जाओ भाई साहब मज़ा आने वाला है बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा आपको हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं है ना आज हम पढ़ रहे हैं भैया नो बाई नामक लेक्चर दुई नाम पद्धति पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग दुई नाम पद्धति पढ़ेंगे आज हम लोग तो सभी दोस्त आ जाओ आज हम लोग देखने जा रहे हैं द्विनाम नाम पद्धति पढ़ेंगे बच्चा बहुत मज़ा आएगा दुई नाम पद्धति में ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि पूरा दिमाग वही हिल जाएगा है ना तो दई नाम पद्धति पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त दु पद्धति का बढ़िया सिस्टम चल रहा है बढ़िया से मज़ा आने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो क्या लगता है कि मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए क्या लगता है बेटा है ना? आ गया कलवा भी आ गया सब लोग आ गए आप बताओ क्या स्टार्ट कर देना चाहिए तुरंत आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर स्टार्ट कर दें सर स्टार्ट करते हैं जल्दी बताओ मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया बताओ बढ़िया है क्वेश्चन है मस्त है सब सारी चीजें हम लेकर आए हैं बहुत बढ़िया समझाने वाला दुर्गेश राय आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए भाई साहब हम लोग पढ़ेंगे दुई नाम पद्धति ठीक तो दुई नाम पद्धति पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर दि नाम पद्धति क्यों लाया गया या इसका नाम क्या है दई नाम पद्धति या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई नॉमियल नॉमक लेचर बोलते हैं बाई नॉमियल नॉमक लेचर बोला जाता है।, है ना अब ध्यान से सबको समझना है भैया ध्यान से समझने की बात क्या है ये जानिएगा देखिए हमारे हिंदुस्तान की ही बात कर ले तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत भाषाएं बोली जाती मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी भाषाएं बोली जाती हैं है ना तो सभी सभी को एक रूपता तो नहीं मिल सकती है ना? उस एक रूपता को देने का प्रयास तब माना जाएगा जब सभी जगह एक ही नाम से जाने जाएंगे है ना? जैसे मेरा नाम लीजिए मैं एम डी पर रहमान सर के नाम से जाने जाते हैं कहीं हम जाएं और मान लीजिए कहीं और चले जाएंगे तो मेरा नाम कलुआ हो जाए कहीं और जाए तो मेरा नाम ललुआ हो जाए नहीं नहीं रिकॉर्डिंग क्लास नहीं विशाल यादव ना 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 रिकॉर्डिंग नहीं हम लाइव हैं भैया देख रहे हैं आपको ठीक है कलुआ हो जाए तो मेरा नाम कहीं और जाए तो मेरा नाम पुलुआ हो जाए कहीं और जाए तो मेरा नाम गुलुआ हो जाए तो क्या होगा अब आपको लगता है एक रूपता है बिल्कुल एक रूपता नहीं है ना अरे बेटा बता दीजिए कोई बात नहीं विशाल है ना चलिए हाँ कलुआ मेरा फेवरेट स्टूडेंट है <laughs> कोई बात तो अब सबको एक रूपता प्रदान करने के लिए ये सारी चीजें जो है हम दई नाम पद्धति को फॉलो किया गया फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें गौरैया गौरैया इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो स्पैरो इस इसको दो नाम से जानते हैं ठीक है बेटा तो गौरैया बोला जाता हिंदी में और स्पैरो बोला जाता है इंग्लिश में है ना बेटा है ना चलिए बेटा हाँ चलिए धन्यवाद अब ध्यान से समझिएगा गौरैया बोला जाता हिंदी में और इंग्लिश में बोला जाता स्पैरो अब हमारा मन किया कि हम पढ़ने चले जाएं अमेरिका और वहाँ पर जाके मैं सारी चीजें अंग्रेजी में बोलूं बस जैसे ही वो गौरैया चिड़िया जा रही स्पैरो जा रही तो वहाँ स्पैरो नहीं हो दिस इज गोइंग टू गौरैया है ना तो वो अंग्रेज भी सोचेगा ये गौरैया क्या है है ना ऐसे कुछ बोलेगा दिक्कत हो जाएगी है हाँ ना वहाँ पर एडजस्ट हम नहीं कर पाएंगे इंग्लैंड का एक बच्चा यहाँ पर आएगा कहेगा वाओ दिस इज स्पैरो है ना तो हम लोग कहेंगे स्पैरो क्या गलिया तो नहीं रहा है है ना तो दिक्कत है है ना अब दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी उसके लिए भी है ना तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक ऐसा नाम रखा जाए कि पूरी दुनिया एक ही नाम से जाने समझ में आ रहा है पूरी दुनिया एक ही नाम से जाने जैसे उत्तर भारत की बात करें जहां हिंदी बोली जाती है कोई बंगाली होगा तो बताइएगा कोई बंगाली होगा या बंगाल से बिलोंग करता होगा वो बताइएगा जरा राजस्थान से बोल रही है सोनिया सोनिया आपके वहां गौरैया को क्या बोला जाता है बताओ बेटा सोनिया बताओ आपके वहां गौरैया को क्या बोला जाता है आपके वहां गौरैया कहा बोला जाता है गौरैया को क्या बोला जाता है आपके वहां अरे चलिए बच्चों सबको दिखाई दे रहा है बच्चा सबको दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है बच्चा लोग सबको सुनाई भी दे रहा है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब बढ़िया सुनाई दे रहा होगा दिखाई दे रहा होगा कोई दिक्कत बात नहीं है, है ना चलो बच्चा लोग तो ध्यान से समझिएगा यूपी में गौरैया को गौरैया कहा जाता है अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो बताए सर मराठी में क्या कहते हैं गौरैया को जल्दी से बताओ भैया कोई महाराष्ट्र से है तो वो बताएगा कि मराठी में गौरैया को क्या कहा जाता है चलिए गौरैया को क्या कहा जाता है मराठी में बिहार के लोग की भी क्या बोलते हैं बिहार में गौरैया को जाबा बोला जाता है क्या बोला जाता है? जाबा बोला जाता है बंगाल में गौरैया को जाबा बोला जाता है है ना तो ऐसे ठीक है? है हम लोग जाएंगे जर्मनी में जर्मनी जाएंगे तो वहां को गौरैया को बोला जाता है हाउस इस पर्लिंग बोला जाता है क्या बोला जाता है हाउस स्पर्लिंग बोला जाता है अगर हम पुर्तगाल में जाएंगे तो वहां पर गौरैया को परडल बोला जाता है क्या बोला जाता पर्डल बोला जाता है तो सभी एरिया में क्या है अलग अलग नाम से जाना जाता है अब मान लो बिहार का बच्चा बाया बोलते हैं बाया बोलते हैं महाराष्ट्र में इसको बाया बोला जाता है गौरैया को किसी ने बताया है बहुत अच्छा है ना अब कोई यू यूपी का बच्चा जाए महाराष्ट्र में पढ़ने तो यूपी का बच्चा तो गौरैया जानेगा वहाँ बाया तो नहीं जानेगा तब तो उसके लिए दिक्कत होगी कि नहीं होगी दिक्कत तो नहीं ब्लॉक नहीं गुड्डू आपका मैसेज आ रहा है तो अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जब जाना जाएगा तो हमको दिक्कत होगी इन सब को एक रूपता प्रदान करने के लिए क्या लाया गया है दुई नाम पद्धति लाया गया है नॉमियल नॉमक लेचर लाया गया है, है ना अब बाइनोमियल नामक लेचर लाया गया और इसको दिया किसने था बाइनोमियल नामक लेचर स्वीडन के प्रकृत वैज्ञानिक स्वीडन के प्रकृतिक वैज्ञानिक या कह सकते हो प्रकृत वैज्ञानिक कौन था बेटा स्वीडन के नेचुरलिस्ट स्वीडन के नेचुरलिस्ट क्या नाम था बेटा रोलस लीनियस कैरोलस लीनियस ने क्या किया सबसे पहले यह नाम देने का प्रयास किया है ना कि भैया एक ऐसा कोई नाम दिया जाए ताकि दुनिया में वो सारी चीजें जो है आपको क्या हो जाए पता चल जाए जिनका नहीं चल रहा बेटा वो थोड़ा रिफ्रेश कर दें थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे प्लीज इसका नहीं चल रहा हमारे यहां से सब कुछ सही चल रहा है अब क्या हुआ कि एक नाम ऐसा रखा जाए पूरी, पूरी दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाए जैसे जैसे बेटा गौरैया का वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखा गौरैया का वैज्ञानिक नाम इन्होंने रखा क्या रखा डोमस्टिकस क्या रखा बेटा डोमस्टिक रखा क्या रखा बेटा पैसर डोमस्टिक रखा अब पैसर डोमेस्टिकस नाम से गौरैया पूरी दुनिया में जानी जाएगी भारत में अगर उसको बोलोगे पढ़ाई में तो भी उसको पैसर डोमेस्टिकट बोला जाएगा अमेरिका में जाओगे तो भी उसको गौरैया को पैसा बोला जाएगा और पाकिस्तान के कराची में जाओगे तो भी वहां पर पैसा डोमेस्टिकस बोला जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त आप वेस्ट इंडीज के जमैका में चले जाओगे वहां पर भी पैसा डोमेस्टिकस बोला जाएगा आप चले जाओगे मंगल ग्रह पर वहां पर भी पैसा डोमेस्टिकस ही बोला जाएगा है ना तो याद रखिएगा ऐसा नाम दिया जिसको पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम दिया गया है समझ में आ रहा है अब गौरैया कितनी जरूरी है आपके लिए वो आप खुद समझ सकते हैं है ना ये आप खुद समझ सकते हैं भैया जय माता दी भैया जय माता दी खुश रहो वेस्ट बंगाल से आपको प्रणाम है ना बहुत बहुत धन्यवाद भैया है ना चलिए अब ध्यान से समझिए उड़ीसा से लिंगराज बोल रहे हैं चलो अब ध्यान से समझिएगा बरियतन ना आए प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से करने का प्रयास किया गया और उस यूनिफाई करने के मामले में वैज्ञानिक नाम देना स्टार्ट किया गया अब वैज्ञानिक नाम किसने दिया यह आपको पता है कैरोलस लीनियस ने दिया था अब सोच रहे होंगे सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ सुनिए ना अब आपसे पूछे लोग लो सोचेंगे सर तो इसका दो नाम का है बिल्कुल एक और एक दो नाम है इसीलिए इसका नाम पड़ा है दुई नाम पद्धति या बाई नोमियल नॉमक लेचर कहा गया बाई का मतलब होता है दो होता है कि नहीं नॉमियल मतलब नाम दुई नाम है ना इसमें भी है चिल सब बताएंगे राजू ढाकड़ का है परेशान हो है ना तो अब आपसे पूछा जाए कि बेटा दुई नाम पद्धति के जनक कौन हैं दुई नाम पद्धति के जनक कौन हैं तब आप बता दियो सर कैरोलस लीनियस हैं क्या उन्हें बेटा कैरोलस लीनियस हैं दुई नाम पद्धति के जनक फिर आपसे पूछा जाए लीनियस हैं पद्धति के जनक को ना कैरोलस लीनियस है कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सा कहा जाता है फादर ऑफ जो है है ना इनकी को क्या बोलते हैं फादर ऑफ मेरे प्यारे दोस्तों मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है इन्हीं को फादर ऑफ बाइनोमियल नामक लेचर भी कहा जाता है, है ना अब ध्यान से समझिएगा कैरोलस लीनियस ने साइंटिफिक नेम दिया क्या दिया बेटा साइंटिफिक नेम दिया क्या दिया बेटा साइंटिफिक नेम दिया और साइंटिफिक नेम में इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक नाम दिया क्या दिया बेटा वैज्ञानिक नाम दिया किसने कैरोलस लीनियस ने वैज्ञानिक नाम दिया ठीक है अब ध्यान से समझिएगा अब आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब वैज्ञानिक नाम देने के लिए इन्होंने कुछ रूल बताया कुछ नियम बताया और उसमें पहला नियम क्या है वो जानिएगा पहला नियम है कि वैज्ञानिक नाम कम से कम दो शब्दों में रहेंगे कम से कम दो वर्ड में रहेंगे पहला शब्द क्या होगा जीनस होगा क्या होगा जीनस और दूसरा शब्द क्या होगा बच्चा स्पेसिज होगा मतलब पहला शब्द क्या होगा वंश होगा और दूसरा शब्द क्या होगा बच्चा जाति होगा क्या होगा पहला वंश होगा और दूसरा शब्द क्या होगा जाति होगा है ना एक बात तो ये क्लियर किया इन्होंने है ना दूसरी बात क्या कहा दूसरी बात कहा कि जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा जीनस को हमेशा किससे लिखा जाएगा उसकी स्टार्टिंग किससे की कि जाएगी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा यह बात याद रखना है कि इन्होंने कहा कि जो जीनस होगा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा जबकि अगर बात करेंगे इस स्पीशीज तो इस स्पीशीज जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा ये बात आपको याद रखना है ये बात आपको क्या करना है बेटा याद रखना है स्मॉल लेटर से सबको समझ में आ रहा बहुत अच्छा है ना पहला जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट इतनी बातें तो कही इन्होंने फिर क्या कहा अगली बात इन्होंने क्या कहा अगला नियम इन्होंने कहा कि भैया तीन लेटर से कम नहीं होना चाहिए तीन लीटर से कम नहीं और बारह लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन लीटर से कम नहीं होना चाहिए तीन अक्षर से कम नहीं तीन अक्षर से कम नहीं और बारह अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन लेटर से कम नहीं और बारह अक्षर से ज्यादा नहीं ऐसा कैरोलस लीनियस ने बोला ऐसा कैरोलस लीनियस ने बोला भैया वेरी गुड इवनिंग भैया वेरी गुड इवनिंग सब लोग बस समझते रहिएगा है ना है ना भैया अब आगे देखेगा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना अगर वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो जीनस और स्पेसीज के बीच में लगेगा जीनस और के बीच क्या लगेगा बेटा हाइपेन लगेगा ये डैश वाला निशान लगेगा क्या लगेगा बेटा हाइपेन लगेगा हाइपेन लगेगा ये डैश वाला निशान लगेगा अगर लिख रहे हैं तो दोनों के बीच क्या है जीनस और स्पेसीज के बीच हाइपेन का निशान लगेगा हाइपेन का मतलब होता है डैश वाला निशान लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखेगा अच्छा शुभम सूरी कह रहे सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है धन्यवाद भैया यानी पहले बंदा है कोई लड़की वड़की तारीफ़ करते तो वैल्यू देते ही है दे तारीफ किसने की तो शुभम भाई वैसे धन्यवाद बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया ठीक है चलिए अगर हम बात करें बच्चा लोग कि जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा अगर हैंड रिटन में लिखा जाएगा अगर हैंड राइटिंग में लिखी जाएगी तो हमेशा क्या किया जाएगा बेटा अंडरलाइन किया जाएगा अंडरलाइन। अगर हाथ से लिख रहे हैं है ना? तो क्या किया जाएगा किया जाएगा जाएगा। बेटा? अंडरलाइन याद रखिए अब हमको देखा होगा कि हम कोई नाम लिखते थे तो नीचे लाइन खींच देते थे, थे तो बहुत लोग सोचते थे सर लग रहा है इंपॉर्टेंट है इसलिए लाइन खींच दी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना तो अगर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं अपने हथवे से लिख रहे हैं तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा अंडरलाइन हमेशा करना है है ना चलिए अगला है बहुत है। अगर टाइप कर रहे हैं तो भैया इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए किस फॉन्ट में इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए वो लेटा लेटा वाला जो शब्द नहीं होता है वही वाला ना? तो याद रखिएगा कि अगर हैंड रिटन में है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा और अगर टाइप कर रहे हैं तो बोर्ड इटैलिक फॉन्ट में होगा ये बात आपको याद रहे आपने देखा होगा कि कभी वैज्ञानिक नाम लिखा होता है तो लेटा वाला शब्द से लिखा होता है है ना ऐसे तिरछा वाला शब्द है ना ने? लेटा वाला वैसे लिखा होता है ये किट्टू करे सर ऐसे है ना चलिए चलिए होता है ना डाल देंगे बाबू डाल देंगे कल क्लास बंद थी सबका त्योहार आपका त्योहार था सबका त्योहार था है ना बेटा हाँ, अब आगे आते हैं अगला काम जानते हैं बेटा इसका अगला नियम क्या है अगला अगर तीन नाम लिखना पड़ जाए तो क्या होगा कभी कभी तीन नाम जैसे हिबका सरोजा साइनेंसिस साइनेंसिस या मानव का नाम है होमो सेपियंस सैपियंस तो अगर तीन नाम लिखना पड़ेगा तो पहला जीनस होगा वंस दूसरा क्या होगा स्पेसीज होगा और दूसरा क्या होगा सब स्पेसीज हो जाएगा सब स्पेसी स्पेसीज हो जाएगा जैसे होमो सैपियंस Sapiens. तो इसमें देख लीजिएगा होमोजीनस है स्पेसीज़ जो है सेपियंस है और दूसरा सैपियंस क्या है सब स्पेसीज है ना बेटा एक नाम पूछा जाता है ना तो वैज्ञानिक नाम लिखने का मैंने तरीका कुछ इस तरह का बताया है, है ना भैया राजू धाकर कोई दिक्कत है बाबू का है ना कोई बता बता दोस्त कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा ऑफलाइन अब ध्यान से समझिएगा जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी जोड़ देते हैं जिस वैज्ञानिक ने उसका नाम खोजा है उसी के नाम से क्या कर देते हैं उसका जोड़ देते जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए किबिका रोजा साइनेंसिस हिबिकस रोजा साइनेंसिस साइनेंसिस हो जाएगा अब इसके आगे लिख दिया गया लिन तो जान लो किसको किसने खोजा भैया किसने खोजा इसको खोजा लीनियस ने खोजा तो कभी कभी वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ दिया जाता है है ना चलिए बताएंगे गुड़हल का अभी सब बताते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया हाँ बहुत आता है अभी अब अब क्या करेंगे अब वैज्ञानिक नाम तो बता दिए नियम कानून क्या है है ना क्या मोहम्मद नैयर करे मज़ा नहीं आ रहा है क्या सपना चौधरी का डांस दिखा रहे हैं जो आपको मजा नहीं आ रहा है भैया पढ़ाई करिए दोस्त इतना आसान नहीं है वैज्ञानिक नाम समझना लिखना पढ़ना विज्ञान इतना आसान होता तो सब लोग विज्ञान ही पढ़े होते हैं ना चलिए है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बेटा अब मजा नहीं आ रहा है इसका जैसे लग रहा है हम है ना सपना चौधरी है अभी डांस दिखाएंगे इनको मजा आएगा पढ़ाई करो बाबू है ना चलिए चलिए बेटा चलिए बेटा हाँ अब देखिएगा अब कुछ वैज्ञानिक नाम हम लेकर आए हैं वो हम आपको याद कराएंगे राम शंकर कह रहे हैं सर आपकी राइट में धन्यवाद भैया कुछ वैज्ञानिक नाम हम लेकर आए हैं उसको हम लोग याद करते हैं पढ़ते हैं और समझते हैं है ना बाबू चलिए है ना ध्यान से समझिएगा हींग, हींग का हिंदी नाम होता है हींग है ना हींग का हिंदी नाम होता है हींग अंग्रेजी में हींग को बोलते आशाफोटीडा क्या बोलते हैं आशाफोटीडा बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा एस क्या कहते हैं एसफोटीडा बोलते हैं इंग्लिश में लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हींग का हींग का वैज्ञानिक नाम क्या है तो देख सकते हैं आप बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा हाँ बहुत अच्छा ध्यान से समझिएगा सब लोग समझिएगा बेटा को अंग्रेजी में असफोटिडा बोलते हैं लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है फेरुला क्या बेटा बोलते हैं किसको अब यहां पर तो अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं इसको हम टेढ़ा लिख दिए हैं पहले ही हमने आपको बताया था कि जब वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो क्या है बच्चा अगर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा अंडरलाइन कर दिया जाएगा और अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर दिया जाएगा टाइप किया जाएगा तो, वाला, में रखा जाएगा. है ना? तो याद रखो भैया रमाशंकर तो हींग का वैज्ञानिक नाम है ऐसा फोटीडा मतलब फेरुला ऐसा फोटीडा है ना अब इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है सबको याद हो जाएगा देखो बच्चा ये वाला शब्द है ये इसका जीनस है और यह वाला शब्द क्या है है और दोनों के बीच हाइपन लगा है कि नहीं लगा है। मैंने यही तो बातें बताई थी बताई थी कि नहीं बताई थी तीन लेटर से कम नहीं है बारह लेटर से ज्यादा नहीं है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बारह लेटर से ज्यादा भी नहीं है तीन लेटर से कम भी नहीं है समझ में आ रहा है बाबू ऐसे ही हल्दी की बात करेंगे हल्दी वही वाला बी को टर्मरिक वाला है ना बाबू नहीं जो नाम अभी बताएंगे जो याद करने वाला होगा वो हम बता देंगे कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है है ना तो अब देखिएगा हल्दी अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मरिक अब हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुर्कुमा डोमस्टिका कुर्कुमा डोमस्टिका है ना तो अब आपको बता दें कि हल्दी का जो पीला रंग आता है वो कुकुरमिन की वजह से कुत्ता वाला कुकुरमिन कुकुरमिन की वजह तो कुरकुमा कुरकुमा कुकुरमिन कुरकुमा कुरकुमा किसका नाम है हल्दी का नाम कुरकुमा डोमेस्टिका डोमेस्टिका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि घर में इसका इस्तेमाल होता है तो सबको याद हो जाएगा बच्चा आपसे पूछा जाए सर हल्दी का क्या नाम है है ना तो आप बता दियो सर कुरकुमा डोमेस्टिका है ना तो याद हो जाएगा हल्दी चंदन वाला जो टर्मनिक वाला क्रीम आता नहीं है बहुत लोग का सदिया वदिया होता है ना तो हल्दी वल्दी वाला लगाते हैं कि गोरा क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुड़ पाया जाता है क्या पाया जाता है बच्चा एंटीसेप्टिक गुड़ पाया जाता है इसलिए हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए है ना चलिए है ना अब तो हल्दी का नाम ले लो तो दूसरी फीलिंग आ जाती है या तो नहीं नहीं होने जा रहा है है ना चलिए हम हम दुर्गेश भाई हम बताएंगे जो फैमिली आपको याद करना है ठीक है अब ध्यान से समझिएगा सेब एप्पल पायरस मैलस इसका नाम है क्या नाम बेटा पायरस मैलस नाम है अब सोच रहे सर कैसे याद करें तो याद रखिएगा हमने बताया था एप पल में का पा जाता है बच्चा लोग तो बता दीजिएगा मैलिक एसिड तो मैलिस और मैलस मैलिक एसिड और मैलस दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है तो ये बात आपको याद रखना है है ना तो मैलस किसका नाम है एप्पल का नाम है तो एप्पल का वैज्ञानिक नाम पायरस मैलस है पायरस उसका इस क्या स्पेसी जीनस है और मैलस क्या उसका स्पेसिस है है ना अब आते हैं आगे बढ़ते हैं अगला वैज्ञानिक नाम सूरजमुखी या सनफ्लावर सूरजमुखी या क्या बच्चा लोग सन फ्लावर सूरजमुखी या सन फ्लावर है ना अब ध्यान से समझिएगा ठीक है है ना बहुत बहुत धन अब देखिएगा बच्चा सूरजमुखी तो देखा होगा बाबू भैया है ना सूरजमुखी है ना कहते हैं वाव मेरी फलानी कमु जैसे सूरजमुखी के जैसे है तो याद खतरा वाली बात है क्योंकि वो तो सूरज की तरफ ही देखती रहती है, है ना तो याद रखिएगा सूरजमुखी को सनफ्लावर बोलते हैं और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त इसका वैज्ञानिक नाम है हेलियंथस एनुअस क्या बोलते हैं इसको हेलियंथस एनुअस बोलते हैं अब इसका नाम कैसे याद करोगे ये याद करना है आपको है ना तो हेलियंथस एनुअस का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये सूरज की तरफ देख रहा है हेली का मतलब क्या होता है सूरज होता है कि नहीं होता है हेली है ना हम लोग पढ़ते ना हेलियोसेंट्रिक पैरो हेलियो सूरज से संबंधित जो बातें होती है है ना तो सूरज की रोशनी को क्या बोलते हैं हेली होते है। अगर हेली की बात करेंगे तो समझ जाइए सूरज की बात हो रही तो अब ये सूरज मुखी क्या करता है सूरज को तो देखता रहता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बहुत लोग वैज्ञानिक नाम कहा पढ़े है ना लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें है ना चलिए हा बहुत अच्छा अब दूसरा है सागोन दूसरा क्या बेटा सागोन सागोन का वैज्ञानिक नाम तो बाद में पढ़ेंगे पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं हिंदी में क्या बोलते टीक तो टी से टिक्टोना है ना तो टिक्टोना ग्रांडिस जो है वो सागोन का वैज्ञानिक नाम है क्या बेटा टिक्टोना ग्रांडिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ या टीक टीक तो कहो तो बात तो एक है, है भैया है ना चलो बच्चा अब अगला है सहतूत क्या बेटा सहतूत की बात करते हैं अगर हम लोग है ना तो सहतूत को बोलते हैं मलबेरी है ना क्या बोलते हैं बेटा मलबेरी और सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मारस अल्बा नाम है क्या नाम बेटा मारस अल्बा नाम है यह बात आपको याद रखना समझ में आ रहा है, है बाबू तो मां से मलबेरी माँ से मारस अल्बा अब यहां पर थोड़ी सी अच्छी बातें हम आपको बता दे इसी मारस अल्बा से ही क्या बनाया जाता बेटा हाकी की स्टिक बनाई जाती है हाकी की स्टिक बनाई जाती है ये बात आपको याद रखना है है ना नहीं कठिन नाम नहीं है अर्चना कुमारी बहुत आसान है इसीलिए तो बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं कि याद हो जाएगा आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगला बेटा सीसम, सीसम को सिसो बोला जाता है अंग्रेजी में सीसम को क्या बोलते हैं सिसो, सीसम जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोज बुड भी बोलते हैं है ना तो सीसम को अंग्रेजी में शिस्ो बोला जाता है और याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है डल बर्जिया जाएगा कितना आसान है डल बर्जिया सिसो लास्ट में लगा है अब अगला है संतरा मेरा तो मन ही करने लगा संतरा खाने का बहुत अच्छा लगता है हमको मेरा फेवरेट फल है संतरा है ना चलो बाबू अब ध्यान से समझिएगा संतरा में कहा पाया जाता है रस पाया जाता है और जो भी रसीली चीज होती है उसको बोलते हैं रेटिकुलर बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रेटिकुलर बोलते हैं है ना तो यह बात आपको याद रखना है है ना अच्छा इनको खट्टा लगता है ए बाबू का भवा है ना है ना तो याद रखिएगा बच्चा अगर हम बात करें कि संतरा रसीला होता है और जिसमें रस पाया जाता है उसको रेटिकुलेट बोला जाता है इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिट्रस रेटिकुलेटा पड़ा नाम है अब लेकिन ये भी याद रखिएगा संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसलिए इसका नाम क्या है बेटा सिट्रस रेटिकुलेटा बोल दिया जाएगा है ना तो याद हो जाएगा ठीक है अगला बच्चा लोग अगला है सरसों मस्टर्ड है ना सरसों या मस्टर्ड है ना देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेस्का ब्रेस्का कंपेरिस्ट नाम है क्या नाम ब्रेस्का कंपेस्टरिस्ट नाम है इसका पूरा नाम अब ध्यान से समझिएगा करे हमको नहीं पसंद है तो ना खाइए जाए मौसमी खा लो कौन सा वहां जबरदस्ती आप नहीं खाओगे तो फंसिए चढ़वा दिया जाएगा है ना कुछ और खा लीजिएगा अब देखिएगा इसकी फैमिली याद करना है आपको इसकी फैमिली आपको याद करना है कि किसी ब्रिशकेशी फैमिली से बिलोंग करता है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बेटा का पड़ा है इसका नाम ठीक है तो सरसों का भी वैज्ञानिक नाम आपको पता चल गया अब आते हैं अगला लोंग बहुत पूछा जाता है बेटा लॉन्ग बहुत पूछा जाता है क्या बेटा लोंग बहुत पूछा जाता है है ना हाँ लोंग बहुत पूछा जाता है है ना बाबू तो ध्यान से समझिएगा लोंग को अंग्रेजी में बोलते हैं कलो अरे ये सब तो बहुत अमीरों वाला है मसाला लोंग लोंग की बात करेंगे बच्चा लोग ठीक है तो लौंग को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है क्लोब बोला जाता है अब याद रखो लौंग का तेल होता है भैया जब दांत दर्द करता है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करते हैं क्यों नहीं क्यों इसलिए क्योंकि लौंग के तेल को क्या बोला जाता है बेटा यूजी नॉल आयल बोला जाता है क्या बोला जाता है यूजीनॉल आयल बोल। तो लौंग का जो तेल होता है उसको क्या बोला जाता है यूजीनॉल आयल बोला जाता है ये बात आपको याद रखना है है ना तो ये बात याद तो यूजीनॉल तेल कहाँ पाया जाता है लौंग में इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है यूजीनिया कैरियो फिलेटा ये बात आपको याद कर लेटा नहीं तो बहुत पीटा जाता ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा है ना अच्छा दीपक याद सर, ऐसे मैंने ऑफलाइन पढ़ा कोई बात नहीं खैर याद कर लो ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़ो मंगल ग्रह पे जाके पढ़े हो कहीं भी पढ़े हो दोस्त है ना दीपक भाई आप याद कर लो यहाँ पे है ना तो कैरियोफिलेटा या यूजिनियाम है ना और आपसे पूछा जाए कि भैया यूजी नॉल तेल पाया जाता बच्चा लो? तो बता पे. है ना बाबू अब आते हैं आगे बढ़ते आगे पढ़ते हैं आगे समझते हैं अगला क्या है बच्चा लहसुन या गार्लिक लहसुन या गार्लिक है ना खाए नहीं लहसुन चलिए लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सटाइबा क्या नाम बेटा नाम है क्या नाम बेटा एलियम साइंटिफिक नेम ऑफ गार्ली अब इसको याद कैसे करोगे है ना याद रखना लहसुन में एलम पाया जाता है एलम जैसा महक आता है कैसा महक आता है एलम जैसा महकाता एलम जैसा महक, ऐसे एलम लिखा जाएगा सॉरी स्पेल एलम जैसा फिटकरी जैसा महकाता है है ना इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा एलियम सटाइबा या एलियम सटाइबम कह सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना चलो बच्चा अब आते हैं मूंग है ना चलिए मूंग की बात करेंगे तो इसको मूंग को बोलते हैं ग्रीन ग्राम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा ग्रीन ग्राम बोला जाता है है ना मूंग तो जानते हो हरा कलर का होता है 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 ना उसको ग्रीन ग्राम बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाए सर इसकी वैज्ञानिक नाम कैसे याद करे बहुत टेंशन है तो ध्यान से समझिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है फैसियोलस और बोला जाता है क्या बोला जाता बेटा फैसियोलस ऑरियस बोला जाता है है ना बेटा तो यह चीज आप लोग हाँ। ये भी आप लोग ध्यान से समझिए इसका वैज्ञानिक नाम का कौन सा हिंदी है बाबू है ना वैज्ञानिक नाम हिंदी नहीं होता है बाबू उनको हिंदी में पढ़ाना होता तो वैज्ञानिक नाम का है देता है ना चलिए तो इसका क्या नाम बेटा फैसोल ऑरियस इसका साइंटिफिक नेम है पक्का बच्चा अब याद करने का तरीका तरीका देखेगा है ना अगर हम लोग बात करें अलग अलग देखिए भाई साहब ये मूंग का दाल महंगा होता है है ना और महंगा सामान उन्हीं के वहां प्रेजेंट होता है जिनके वहां फैसिलिटी बहुत ज्यादा हो जिनके वहाँ फैसिलिटी ज्यादा होती नहीं तो वही ना उरद का दाल ये दाल वो दाल खाते चले जाएंगे समझे नहीं आएगा है ना तो जिसके वहां फैसियोलिटी होती है फैसियोलस होता है उसी के वहां पर क्या मिलता है बेटा वो आपको पता है मूंग का दाल होता है जिसके वहाँ है ना तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों है ना चलिए नहीं हिंदी नेम खा दे यार हिंदी नेम नहीं, नहीं पूछा जाए तो फैसिलिटी होगी तभी आपको क्या मिलेगा बेटा मूंग की दाल मिलेगी और उसका नाम है फैसियोलस फैसियोलस फैसिलिटी तरीका याद कराने का बाकी वास्तविकता इससे कोई लेना देना नहीं है बहुत अमीर के वहां जब तो लोग भूखे वापस चले आते हैं तो वो अलग बात है, है ना चलो बच्चा फैसियोलस और यस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मूंग या ग्रीन ग्राम अगला है मेहंदी है ना चलिए मेहंदी मेहंदी को बोलते हैं हीना क्या बोलते हैं हीना क्या बोलते हैं बेटा हीना चलिए वो कह रही गज़ल कह रही हैं गज़ल मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट हैं बहुत मेहनती हैं हर बात टॉप करती है मेरे साथ ऑफलाइन भी पढ़ी है ऑनलाइन भी पढ़ रही बहुत मेहनत करती हैं गज़ल है, है ना और गज़ल का नाम बहुत प्यारा है बहुत मेहनत करती है छोटी सी बच्ची है इसे लेकिन बहुत मेहनत करती है है ना खैर कोई बात नहीं गज़ल ऐसे भगवान करे आपको बहुत आगे लेकर जाए वो एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी खैर कोई बात नहीं सब लोग बहुत नाम करें लव यू भैया अरुण लव यू रंजीत सब लोग है ना अब देखेगा भैया हीना ना हीना मेहंदी बहुत बढ़िया ना गाना वाना हम लोग सुनते हैं है ना हीना हीना मतलब हीना पिक्चर भी आई थी मेहंदी मेहंदी लगा के रखना ये सारी चीजें है ना मेहंदी की खुशबू अरे तेरे हाथ की मेहंदी है ना हाथों की मेहंदी ये वो फलाना ढिमकाना है ना चलिए अब तक खैर याद रखिएगा मेहंदी को बोला जाता है तो बच्चों लोग परेशान ना होइए साउंड आ गया होगा साउंड साउंड आ गया होगा साउंड आ गया होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बैटरी खत्म हो गई थी है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आवाज आ रही है सबको चलिए 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 भैया देखे बच्चा लोग अगर बात करें सोनिया की शादी हो ही है, और सोनिया के हाथों में मेहंदी लग रही है और भैया उस मेहंदी का नाम है लाओ सोनिया इनर मिस है ना तो याद रखिएगा ये पूरी चीजें आप लोग याद करके रखिएगा ठीक है बेटा अब आगे आते हैं हम लोग बात करें मूंग फली मूंग फली क्या बेटा मूंग फली है ना चलिए है ना अब मूंगफली को ग्राउंड नट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोला जाता है भैया आरिकिस हाइपोजिया बोला जाता है आरिकिस हाइपोजिया बोला जाता है ठीक है अब याद रखेगा अच्छा हम बताएंगे सब इंपॉर्टेंट बताएंगे सब कुछ बताएंगे काहे परेशान हो अब ध्यान से समझिएगा है ना अब ध्यान से समझिएगा बताओ भैया बताओ कि कहाँ पाया जाता है मूंगफली जमीन के नीचे पाया जाता है मूंगफली कहीं ऊपर थोड़ी ना लगा होता है कि ऐसे पत्थर तोड़ के मार के मिट्टी खोदोगे तब आपको मिलेगा है ना तो याद रखिएगा है ना याद रखिएगा चलो है ना तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात आपको याद रखना है कि जो मूंगफली होता है वो जमीन के अंदर पाया जाता है और कोई भी जो नीचे होता है उसको हाइपो बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटा हाइपो बोला जाता है तो इसीलिए इसका नाम क्या है हाइपोजिया है क्या नाम है इसका हाइपोजिया नाम है तो एरेक्स हाइपोजिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंड नेट मक्का माइज जियामाइज सबको याद हो जाएगा सबसे आसान मुझे लगता है यही है तो मक्का को ही क्या बोलते हैं जियामाइज बोलते हैं या क्या बोलते बच्चा हाँ ग्रुप डी में आएगा भैया ग्रुप डी का तो पेट क्वेश्चन होता है दो वैज्ञानिक नाम आते हैं ठीक है चलिए अगला बेटा अगला मटर मटर का तो सबको नाम पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाई क्या ना बेटा पाइसम सटाइबम है ना अभी सोयाबीन का भी आएगा किट्टो परेशान ना हो है ना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है चलो बच्चा लो याद रखिएगा याद रखेगा कि मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम ये सबको याद होता है ठीक है हम बताएंगे बेटा कौन कौन सी फैमिली याद है हम बार बार यही आपको बता रहे हैं अब आते हैं बरगद भैया बरगद इंपॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम में पूछा जाता है बरगद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ठीक बरगद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जा... नहीं मैं आऊँगा ऐसी बात नहीं है ठीक है कोई बात नहीं अच्छा अब ध्यान से समझिएगा अरे सब लेकर आए हैं बस थोड़ा पढ़ाने दीजिए बाबू योगी जी थोड़ा पढ़ाने दीजिए है ना चलिए देखिए बेटा इज द साइंटिफिक नेम आप बैनियन या बरगद है ना तो याद रखिएगा हाँ बिल्कुल देंगे सब पीडीएफ है ना तो अब सोच रहे होंगे सर ने इम्पोर्टेंट क्यों बताया सर ने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि बरगद हमारा क्या है राष्ट्र वृक्ष है या नेशनल ट्री है हमारा हमारा क्या है बेटा नेशनल ट्री है राष्ट्रीय वृक्ष है सबको याद हो जाएगा तो याद रख लीजिएगा फीकस बेंधालेसिस इज द हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हाँ चैनल है टेलीग्राम चैनल एम डी क्लासेस सर्च करिए आपको मिल जाएगा तुरंत ठीक है चलिए अब आते हैं बाँस बाँस तो एक घास है ठीक है और उसका नाम है बम्बूसा स्पेसीज तो बहुत जगह जो है घास को बोला भी जाता ओ सॉरी बाँस को बोला जाए बम्बू खाड़ लाओ बम्बू से इनको खोपड़िए फोड़ देंगे है ना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि बाँस का अंग्रेजी नाम है बंबू और साइंटिफिक नाम है बंबूसा स्पेसिस दिलवा देंगे बेटा दिलवा देंगे अभिषेक परेशान ना हो दिलवा देंगे बेटा ठीक है चलिए अगला है पीपल फीकस रिलीजियसा है ना फीकस रिलीजियसा तो यार आप लोग एक काम करिएगा पूरे वैज्ञानिक नाम को याद कर लीजिएगा अब हम आपको कुछ जानवरों के वैज्ञानिक नाम बता देते हैं लाइव है सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप लोग ले लीजिएगा पढ़ लीजिएगा बस हम क्या करेंगे कुछ जानवरों का वैज्ञानिक नाम आपको याद करा देते हैं कुछ जानवरों का भी वैज्ञानिक नाम याद करा देते हैं लो बकरी <laughs> बकरी मै, 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 ये बकरी है ठीक है बाबू तो याद रखिएगा बकरी का वैज्ञानिक नाम बकरी को अंग्रेजी में बोलते हैं गोट है ना ठीक ये बात याद रखिएगा ठीक है बकरी की बात करते हैं गोट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में है ना तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा एगर इतना खतरनाक इसका नाम हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं ठीक है इसका पूरा नाम है बेटा कैपरा ए गुरु गुरुस अरे कुछ बोल बोल दीजिए यार सिर्फ आप इतना याद कर लीजिएगा ये नाम नहीं याद हो पाएगा मुश्किल हो जाएगा ठीक है चलिए तो याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है कैपरा हरिकस भी कह देंगे तो भी आपको नाम पता चल जाएगा कैपरा हरिकस आप इतना नाम कर दीजिएगा कैपरा हरिकस इसका नाम आप लोग बोल दीजिएगा ठीक है करवा देंगे बेटा चलिए है ना तो कुछ याद रखेगा कैपरा हरिकस बकरी का नाम होगा कैपरा याद कर लीजिए यहां पर हरिकस याद कर लीजिए बस अब आते हैं मोर है ना मोर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा नेशनल बर्ड है क्या बेटा नेशनल बर्ड है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस नाम है है ना पावो क्रिस्टेटस नाम है ठीक है ये बात आपको याद रखना है कोई यात्रा अनिकेत एक्सेप्शन है ठीक है चलिए चलो बाबू कोई बात नहीं कुछ एक्सेप्शन है भी जमीकंद पढ़ाते तो उसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है एक दो एक्सेप्शन है कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए तो याद रखिएगा मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है चलो अगला है मक्खी मक्खी को अंग्रेजी में हाउस फ्लाई कहते हैं और साइंटिफिक नाम है मस्का डोमेस्टिका तो घरेलू मतलब डोमेस्टिकस और यहां पर डोमेस्टिका तो मस्का डोमेस्टिका जो है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों मक्खी का वैज्ञानिक नाम अगला है बाघ है ना ये बात आपको याद रखना है बाघ बाघ का वैज्ञानिक नाम है पंथेरा टिग्रिस तो टाइगर और टिग्रिस बात एक ही है, है ना तो पंथेरा टिग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ है ना साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर अगला ऊट कैमल कैमल का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेंडेस अगला खरगोश खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिकटोलेगस कोनिकुलस इसका वैज्ञानिक नाम है आगे देख लीजिएगा कुत्ता है ना ये तो कुत्ता मानो के बाद है कुत्ता है ना तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है ठीक है कैनिस फैमिलेरिस कैनिस उनको बोलते हैं जो मांसाहारी होते हैं फैमिली में रहते हैं तो फैमिलेरिस हो जाएगा है ना चलिए गाय गाय बॉस इंडिकस भैंस बफेलो बलबाला बबलिस बलबाला बबलिस बबलाला बबलिस जो भी कह लीजिए है ना फिर तो उसके बाद है शेर पंथेरा लियो बाघ टिग्रिस सब आपको हमने बता दिया अब आते हैं मानव का होमो आधुनिक मानव का नाम होगा तो होमो सैपियन्स सैपियन्स। है होमोसैपिय राना कैट का फेलिस डोमेस्टिका चूहा रेटस है ना लिजार्ट का निके? और क्या हो जाएगा लोमड़ी का कैनेडिया अगला क्या होगा बच्चा सांप का सांप अलग अलग होते हैं सबके अलग अलग नाम हो जाएंगे है ना है ना कह रहे बबली बबली है ना बोला बबली कोई बात नहीं तो यार कुछ वैज्ञानिक नाम हमने आपको कुछ याद कराने की कोशिश की थी कोई बात नहीं है फिर आगे, आगे आपको समझाएंगे आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे धन्यवाद जय हिंद